नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मूंगफली की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग व कीट व उनकी रोकथाम के बारे में। मूंगफली भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, जिसका प्रयोग वनस्पति घी के निर्माण में तथा खाने के लिए बड़ी मात्रा में किया जाता है। मूंगफली में 40-45% तेल और 26% प्रोटीन पाया जाता है। यह दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि इसके पौधे की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं जिसमें नत्रजन एकत्रित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की सफेद सुंडी के बारे में। यह मूंगफली का सबसे हानिकारक कीट है। यह प्रारंभिक अवस्था में पौधे की जड़ों को खाकर हानि पहुंचाता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। इसके बचाव और रोकथाम के लिए बुआई के 3-4 घंटे पूर्व क्लोरपाइरीफास 20 EC का 2-2.5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके बुआई करें। खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरपाइरीफास 20 EC की 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। अगला कीट है दीमक। यह सूखे की स्थिति में जड़ों तथा फलियों को काटती है। जड़ कटने से पौधे सूख जाते हैं, फली के अंदर गिरी के स्थान पर मिट्टी भर देते हैं। इसके बचाव एवं रोकथाम के लिए सफ़ेद सूंडी के लिए किए गए बीजोपचार एवं कीटनाशक का प्रयोग सिंचाई के पानी के साथ करने से दीमक का प्रकोप रोका जा सकता है। अगला कीट है हेयरी कैटरपिलर। जब फसल लगभग 40-45 दिन की हो जाती है तो पत्तियों के निचली सतह पर प्रजनन करके असंख्य संख्याएँ तैयार होकर पूरे खेत में फैल जाती हैं। पत्तियों को छेदकर छलनी कर देती हैं, फलस्वरूप पत्तियां भोजन बनाने में अक्षम हो जाती हैं। इसकी रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रोफेनोपास प्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, या एमेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इसकी रोकथाम होती है। अब बात करते हैं प्रमुख रोग की। तो पहला रोग है मूंगफली क्राउन रॉट। अंकुरित हो रही मूंगफली इस रोग से प्रभावित होती हैं। प्रभावित हिस्से पर काली फफूंदी उग जाती है, जो स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बचाव एवं रोकथाम के लिए इसके लिए बीज शोधन आवश्यक है। अगला रोग है डाई रूट रॉट या चारकोल रॉट। नमी की कमी तथा तापक्रम अधिक होने पर यह बीमारी जड़ों में लगती है। जड़ें भूरी होने लगती हैं और पौधे सूख जाता है। इसके बचाव एवं रोकथाम के लिए बीज शोधन करें, खेत में नमी बनाए रखें, लंबा फसल चक्र अपनाएं। अगला रोग है बढ़ने को फिश। फिश कलियां सूख जाती हैं, बढ़वा रुक जाती है। बीमार पौधे में नई पत्तियां छोटी बनती हैं और गुच्छे निकलती हैं। प्रायः अंत तक पौधा हरा बना रहता है। इसके बचाव एवं रोकथाम के लिए जून के 4वें सप्ताह से पूर्व बुआई न की जाए। थ्रिप्स कीट जो रोग का वाहक है, इसके नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, या डाइफेंथुरान का प्रयोग करना चाहिए। अगला रोग है मूंगफली का टिक्का रोग। इसकी पहचान पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं, जिनके चारों तरफ निचली सतह पर पीले घेरे होते हैं। उग्र प्रकोप से तने तथा पुष्प शाखाओं पर भी धब्बे बन जाते हैं। इसके बचाव एवं रोकथाम के लिए खड़ी फसल पर मैंगोजेब 2 किलोग्राम या जिनेब 75% घुलनशील चूड़ 2.5 किलोग्राम अथवा जीरम 27% तरल के 3 लीटर अथवा जीरम 80% के 2 किलोग्राम 2-3 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। तो किसान भाई, अब बात करते हैं कि फसल सुरक्षा बचाव के मुख्य बिंदु के बारे में। तो विभिन्न प्रजातियों के लिए निर्धारित बीज दर का ही प्रयोग करें एवं बीज शोधन करके ही बोएं। दूसरा है कि समय से बुआई करें एवं दूरी पर विशेष ध्यान दें। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग संतुति के अनुसार अवश्य करें। विशिष्ट राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। खूंटियाँ एवं फली बनते समय पानी की कमी पर सिंचाई अवश्य करें। फसल पूर्ण पकने पर ही खुदाई करें। कीट एवं रोग का रासायनिक एवं प्रभावी नियंत्रण अवश्य करें। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाती है। तो किसान भाई, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर को।